बिहार जिले के सुपौल में विधानसभा चुनाव को लेकर जब से आचार संहिता लागू हुई है, प्रशासन द्वारा हर दिन उसको लेकर आवश्यक पहल की जा रही है। इसी कड़ी में आज देर संध्या सदर अनुमंडल सभागार में विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और नेताओं के साथ आवश्यक बैठक की गई। बैठक में SDM मनीष कुमार और SDPO कुमार इंद्र प्रकाश और ASM अन्नत कुमार शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चूंकि आचार संहिता लग चुकी है, लिहाजा सभी को इसके बारे में आवश्यक जानकारी दी गई है। बैठक में चुनाव आयोग द्वारा जो भी प्रावधान है उसे राजनीतिक दलों को अवगत कराया गया है। बताया गया है कि इसके पालन के लिए SST और एक ST की टीम को विभिन्न स्थानों पर लगाया गया है। बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि वर्तमान में आचार संहिता लागू है तो उनके आचार संहिता के प्रावधानों को उनको बताया गया कि आपके व्हाट इज डोंट डू एंड व्हाट इज डोंट, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके प्रावधानों से उनको अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग द्वारा जो COVID-19 को देखते हुए नए नए कुछ प्रावधान आए हैं, कुछ नॉमिनेशंस में बदलाव किया गया है, ऑनलाइन नॉमिनेशन की फैसिलिटी दी गई है, ऑनलाइन फीस जमा करने की फैसिलिटी दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो कैंपेनिंग का मोड बदला है, वाहनों की संख्या में परिवर्तन किया गया है, सभी प्रावधानों से उनको अवगत कराया गया कि जानकारी का अभाव में उनसे कोई गलती ना हो। ये नियमित रूप से जो चुनाव आयोग नए नए प्रावधान देंगे उनको यहाँ के राजनीतिक दल के जो भी हैं उनके प्रतिनिधियों को उन प्रावधानों से अवगत करा दिया जाएगा और ये नियमित रूप से चलता रहेगा। अखंड भारत न्यूज के लिए कृपा शंकर की रिपोर्ट, सुपौल। बिहार जिले के सुपौल में मुस्लिम आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परहेज सिद्दीकी ने प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया कि पूरे बिहार में हमारी पार्टी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। हम 2017 से लगातार अल्पसंख्यक व दलितों की आवाज को बुलंद करते आए हैं और उनके हक की लड़ाई लड़ने में हम हमेशा तैयार हैं। सभी पार्टियों ने मुसलमानों को ठगने का काम किया है और उनकी आवाज को दबा दिया है। हमारा आरक्षण मोर्चा उनकी आवाज को सड़क से लेकर सांसद तक जोर शोर से उठाएगी। ये मोर्चा 2017 में बना था, आरक्षण को लेकर बनाई गई थी, मोहसिनों वल्ला की तरफा वर्कफोर्स गिराने को लेकर बनाई गई थी। इस समस्तीपुर के अंदर भी 2 पद यात्रा निकाला गया था और बिहार के तकरीबन 22 जिलों के अंदर पद यात्रा निकाला गया। राजभवन मार्च भी हुआ था जिसपे अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर भी गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त की गई थी, रैली को रोका गया था। उसके बाद नीतीश कुमार जी से भी हम लोग की बैठक हुई थी, एक आने मार्ग पे ये फैसला उन्होंने ये आश्वस्त किया था कि आपको जो मांग है, जो मोजिनो मरना की तनख्वाह है उसको हम जल्द से घोषणा करेंगे। इस उम्मीद के साथ हम लोगों ने लोकसभा के वक्त में उनके पार्टी के कैंडिडेट्स को RCP सिंह और संजय गांधी की मीटिंग के बाद, विजय चौधरी की मीटिंग के बाद, हम लोगों ने लोकसभा कैंडिडेट्स जो उनके थे उनको हमने सपोर्ट किया। उसके बाद भी अभी हाल ही में हमारी मीटिंग संजय गांधी MLC है, JDU के विजय चौधरी जी हैं, ललन सिंह जी से भी बातचीत हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम आपसे टाइप करेंगे, आपको सीट देंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने कुछ सीट का अभी तक घोषणा नहीं किया है, जिसकी वजह से हमने पटना में 2 दिन पहले प्रेस वार्ता रखा था। अखंड भारत न्यूज के लिए कृपा शंकर की रिपोर्ट, सुपौल।